मकरोनिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने छापामारी करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया। अवैध शराब बरामद की मौके से मिली जानकारी के अनुसार थाने से कुछ दूरी पर ही कुछ बंदिया समाज के 4 से 5 परिवार रहते हैं। इनके द्वारा कच्ची शराब बनाते हुए इसका कारोबार किया जाता है, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा थाना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवैध रूप से बनाई गई शराब बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा, अभियान के तहत इस तरह की और भी कार्रवाई न होने के लिए क्षेत्र की जनता को सहयोग करने की आवश्यकता है। मकरोनिया थाना पुलिस ने क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई की तो मौके से अवैध शराब के कारोबारी शराब के साथ पुलिस की गिरफ्त में आए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। परदुमा के विभिन्न स्थानों पर जो है पुलिस के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम बना के अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने भी दबिश दी है और कार्रवाई भी मौके पर चल रही है। सर, नई मकरोनिया में भी हुई है क्या? नई मकरोनिया बड़तुमा इन स्थानों पर कार्रवाई की गई। कुछ शराब भी पाई गई सर? अभी इसका खुलासा होना शेष है, क्योंकि मौके की कार्रवाई चल रही है, तो कितनी लहान और कितनी शराब उसमें जब्त हुई है तो कुछ देर बाद सामने आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।